बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, लेक्चर नंबर 7। टुडे आवर टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ एबायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एबायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस? एबायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस एक ओल्ड बिलीफ है लोगों का। पुराने ज़माने में लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं होती थी और उनके पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज भी नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे, जो चीज़ देखते थे उसी पर बिलीव करते थे, ठीक है। तो उस ज़माने में साइंटिस्ट ने एबायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। तो साइंटिस्ट देखना चाहते थे कि जो लिविंग थिंग्स हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, वो लिविंग थिंग से लिविंग थिंग से जनरेट हो रही हैं, पैदा हो रही हैं, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है जी। तो उस ज़माने में साइंटिस्ट देखना चाहते थे कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो लिविंग थिंग से पैदा हो रही हैं या फिर वो नॉन लिविंग थिंग से पैदा हो रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है एबायोजेनेसिस। तो हम एबायोजेनेसिस को डिटेल में स्टडी करेंगे कि एबायोजेनेसिस है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। ए का अब यहाँ पर लिखा हुआ है एबायोजेनेसिस, तो इसके नाम से पता चल रहा है ए का मतलब होता है विदाउट या फिर नॉट, और बायोजेनेसिस का मतलब होता है लाइफ, कम फ्रॉम लाइफ, ठीक है जी। तो यहाँ पर ए बायोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, लाइफ लाइफ के बगैर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर विथाउट है, तो इसका मतलब क्या होगा, लाइफ लाइफ के बिना आ रही है, बगैर आ रही है। तो ऐसे ही बायोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, तो बायोजेनेसिस का मतलब है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइफ लाइफ से आती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एबायोजेनेसिस को डिटेल में स्टडी करेंगे कि एबायोजेनेसिस है क्या, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो अब है बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस है क्या। साइंटिस्ट का कहना था कि बायोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बींग हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स से प्रोड्यूस हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि क्ले मिट्टी से, अर्थ ज़मीन से, और नॉन लिविंग मैटर, नॉन लिविंग जो मैटर है, बेजान चीज़ें हैं, उनमें से लिविंग थिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं, पैदा हो रही हैं, ठीक है। तो ये था बायोजेनेसिस का, उनके साइंटिस्ट का कहना। तो ये जो कॉन्सेप्ट था बायोजेनेसिस का, ये कॉन्सेप्ट जो है बायोजेनेसिस का, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था एरिस्टोटल साइंटिस्ट ने। एरिस्टोटल साइंटिस्ट ने ए बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहले, कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से जनरेट हो रही हैं, पैदा हो रही हैं, ये कॉन्सेप्ट दिया था एरिस्टोटल साइंटिस्ट ने। एरिस्टोटल के ज़माने में साइंटिस्ट के पास इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी बायोलॉजी की, ठीक है, बायोलॉजी की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी साइंटिस्ट के पास, ना ही उनके पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी कि वो एक्सपेरिमेंट करके इस चीज़ को प्रूव कर सकें, ठीक है। तो उसके अलावा कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पानी में रहते हैं, तो इसीलिए वो मड से जनरेट हो रहे हैं, जैसे कि फ्रॉग, ठीक है, फिश, और कुछ एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ठीक है, इंसेक्ट, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि कुछ वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं वो किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, मड से प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्यों वो मड से क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि वो पानी में रहते हैं, इसीलिए वो मड से जनरेट हो रहे हैं, मड से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे पॉसिबल है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से पैदा हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं। तो साइंटिस्ट ने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए ताकि वो इस चीज़ को प्रूव कर सके, देखना चाहते थे कि लाइव वाकई में जो एबायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट है वो सही है कि नहीं, ठीक है। अब बायोजेनेसिस को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें से एक एक्सपेरिमेंट जो है वो फंगस पे था, फंगस उसमें प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने ब्रेड ली और ब्रेड को ओपन एयर में
ओपन एयर में रख दिया, ठीक है। कुछ आफ्टर टू डेज थ्री टू आफ्टर टू थ्री डेज उन्होंने जब इस ब्रेड को ऑब्जर्व किया तो उन यह इस ब्रेड में फंगस जो है वो ग्रो कर गया था। तो साइंटिस्ट ने कहा कि जो ये ब्रेड है वो है नॉन लिविंग, ठीक है। ब्रेड जो है वो क्या है, नॉन लिविंग, और फंगस एक लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो नॉन लिविंग में से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस हुआ, कैसे जनरेट हुआ, ठीक है। तो यहाँ से जो है इस एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट ने अंदाज़ा लगाया, उन्होंने बिलीव किया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग थिंग से जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से उनको ये प्रूव हुआ कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग थिंग से पैदा हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ, वो है मैगोट्स के ऊपर। इस एक्सपेरिमेंट ने साइंटिस्ट ने क्या किया था, साइंटिस्ट ने एक जार ली थी, ठीक है, एक जार ली थी, उसमें उन्होंने डेड एनिमल का एक टुकड़ा रख दिया था। क्या किया था, डेड एनिमल का एक टुकड़ा रखा, फिर इस जार को उन्होंने विदाउट कवर के बगैर ओपन एयर में रख दिया, ठीक है। आफ्टर टू थ्री डेज, दो तीन दिनों के बाद उन्होंने इस बॉटल को ऑब्जर्व किया तो इसके ऊपर उनको छोटे छोटे मैगोट्स जो हैं वो नज़र आए। तो साइंटिस्ट ने कहा कि जो ये मीट है वो क्या है, नॉन लिविंग, ठीक है, और ये मैगोट्स जो हैं वो लिविंग हैं। तो अब नॉन लिविंग में से ये जो लिविंग है वो कैसे प्रोड्यूस हुए, कैसे पैदा हुए, कहाँ से आए ये मैगोट्स यहाँ पर। तो फिर उनको इस चीज़ से ये कॉन्सेप्ट मिला, फिर यहाँ पर उनको इस चीज़ से ये कॉन्सेप्ट मिला कि जो लिविंग मैगोट्स हैं वो डेड एनिमल का जो ये मीट है, मीट का जो पीस रखा था उन्होंने, उसमें से प्रोड्यूस हुए। तो यहाँ पर उनको फिर एक और एविडेंस मिली कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से जनरेट हो रही हैं, ठीक है जी। तो ये उनको एक और एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हुआ, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ठीक है जी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट थे, ये पूरा प्रोसेस बता रहे थे एबायोजेनेसिस के बारे में, ये पूरा कॉन्सेप्ट था कि एबायोजेनेसिस क्या है और कैसे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बिलीव किया, कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर उनको प्रूव मिला कि हाँ एबायोजेनेसिस वाकई में पॉसिबल है, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद एक इटालियन साइंटिस्ट आया जिसका नेम था रेडी। रेडी ने एक्सपेरिमेंटली एनालाइज किया एबायोजेनेसिस को। रेडी ने जो एबायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसको एनालाइज किया एक्सपेरिमेंट कर। तो आफ्टर सेवरल एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको रिजल्ट मिला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अराइज हो रहे हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अराइज हो रहा है अपने पेरेंट्स से। तो उसने क्या किया, उसने जो एबायोजेनेसिस का आइडिया था उसको डिसअप्रूव किया। उसने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से पैदा नहीं होते, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट से ही पैदा होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में से ही पैदा हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो एबायोजेनेसिस का आइडिया था उसको डिसअप्रूव किया और एक न्यू कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम कहते हैं बायोजेनेसिस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बायोजेनेसिस। तो बायोजेनेसिस क्या है, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, लिविंग बींग कैन डेवलप ओनली फ्रॉम अदर लिविंग बींग इज कॉल्ड बायोजेनेसिस। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में से ही पैदा हो सकता है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बायोजेनेसिस। तो ये था बायोजेनेसिस के, ये था बायोजेनेसिस जिसका फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट दिया था इटालियन साइंटिस्ट रेडी ने, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही जनरेट होते हैं, पैदा होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने डिसअप्रूव कर दिया था एबायोजेनेसिस को। अब बायोजेनेसिस को प्रूव करने के लिए रेडी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। बायोजेनेसिस को प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। ये जो बुक है हमारा, उस बुक में तीन एक्सपेरिमेंट है, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलें जी, फिर हम एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं कि कैसे बायोजेनेसिस का जो आइडिया था वो
जो है वो एक्सेप्टेबल था, वो रेड्डी ने जो बताया था वो अप्रूव किया गया था। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पर है एक्सपेरिमेंट नंबर वन। रेड्डी ने एक्सपेरिमेंट नंबर वन में क्या किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बॉटल ली, उस बॉटल में उन्होंने स्नैक का एक डेड एनिमल, डेड जो स्नैक था उसका एक पीस रखा। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि ये जो बॉटल थी उसके ऊपर काफ़ी सारी फ्लाइज जो हैं वो जमा हो गई थी। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, आफ्टर थ्री डेज, उन्होंने 3 डेज के बाद इस बॉटल को ऑब्जर्व किया, तो इस बॉटल में उनको मैगोट्स जो हैं वो नज़र आए। क्या नज़र आए, मैगोट्स। ठीक है, फिर क्या नज़र आए उनको, मैगोट्स जो है वो उनको नज़र आए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, आफ्टर 18 डेज के बाद जब उन्होंने दोबारा इस बॉटल को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि जो मेगोट्स थे वो कन्वर्ट हो चुके थे प्यूपा में। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, ये जो प्यूपा यहाँ पर बने तो उन्होंने क्या किया, इन प्यूपा को एक अलग ग्लास कंटेनर में उनको ट्रांसफ़र किया, कुछ प्यूपा को, और ग्लास कंटेनर में रख कर पेपर शीट के साथ कवर करके अलग से रख दिया। ठीक है, आफ्टर 8 डेज के बाद उन्होंने देखा ये जो प्यूपा था वो फ्लाई में इमर्ज्ड हो चुका था, फ्लाई में कन्वर्ट हो चुका था, और ये जो फ्लाई था वो बिल्कुल रिजेंबल कर रही थी उन फ्लाई से जो स्टार्टिंग में उस बॉटल के ऊपर जमा हुई थी। ठीक है, तो ये जो फ्लाई थी वो रिजेंबल कर रही थी उन फ्लाई से जो स्टार्टिंग में उस बॉटल के ऊपर जमा हुई थी। तो उन्होंने, तो यहाँ से ये साबित हुआ कि ये जो ये जो मेगोट्स हैं, ये मेगोट्स फ्लाइज के ऑफ स्प्रिंग हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या साबित हुआ कि ये जो मेगोट्स हैं ये फ्लाइज के ऑफ स्प्रिंग हैं। ठीक है, अब ये मेगोट्स जो हैं वो फ्लाइज के ऑफ स्प्रिंग कैसे हैं, साइंटिस्ट ने बताया कि जब फ्लाइज बॉटल के ऊपर जमा हुई थी तो उस जमा होने के दौरान उन्होंने क्या किया, वो जब मीट पर आई थी तो मीट पर उन्होंने अपने एग दिए थे, तो ये जो एग हैं वो मेगोट्स में कन्वर्ट हुए, फिर मेगोट जो है प्यूपा में कन्वर्ट हुआ, फिर प्यूपा से फ्लाइज बने। तो ऐसे उन्होंने, रेड्डी ने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में से ही प्रोड्यूस होता है। जैसे कि फ्लाइज ने एग्स दिए तो उसमें से मेगोट्स प्रोड्यूस हुए, कि मतलब लाइफ से दूसरी लाइफ प्रोड्यूस हुई। तो इस एक्सपेरिमेंट नंबर वन में रेड्डी ने अपना बायोजेनेसिस का जो कॉन्सेप्ट था उसको प्रूव किया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर टू। चलिए जी, अब है एक्सपेरिमेंट नंबर टू। एक्सपेरिमेंट नंबर टू में क्या किया रेड्डी ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 8 बॉटल्स ली, 4 बॉटल को उन्होंने क्लोज किया और 4 बॉटल को उन्होंने ओपन एयर में रखा। ठीक है, तो जो 8 बॉटल्स उन्होंने टोटल ली थी, उन 8 बॉटल में उन्होंने डेड स्नेक और डेड फिशेस जो है उनके पीसेस रखे थे। ठीक है, तो आफ्टर फ्यू डेज उन्होंने जब उन बॉटल्स को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि मेगोट्स जो थे वो, जो बॉटल्स ओपन थी उनमें मेगोट्स जो हैं वो अपीयर हुए। क्या हुए, जो मेगोट्स थे वो अपीयर हुए उन बॉटल्स में जो ओपन थी, और जो बॉटल क्लोज थी उनमें कोई मेगोट अपीयर नहीं हुआ। तो यहाँ से उन्होंने ये प्रूव किया कि लाइफ जो है वो लाइफ से आ रही है। अगर बॉटल, क्योंकि उन्होंने यहाँ से ये प्रूव किया कि जब बॉटल क्लोज थी तो फ्लाइज जो थी वो इन बॉटल्स के ऊपर जमा नहीं हुई, जब फ्लाइज जमा नहीं हुई तो वो मेगोट्स भी इसमें अपीयर नहीं हुए, और जो बॉटल ओपन थी उसमें फ्लाइज जमा हुई और उनकी वजह से मेगोट्स अपीयर हुए, तो फिर वो आगे जाके एक फ्लाई में कन्वर्ट हुए। तो उन्होंने यहाँ पर ये प्रूव किया, पर उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, इस एक्सपेरिमेंट पर साइंटिस्ट ने बहुत ही क्रिटिसाइज किया। साइंटिस्ट का कहना था कि एबायोजेनेसिस में एयर जो है वो, जो एयर है, एयर जो है एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ऑर्गेनिज्म के लिए। बॉटल के क्लोज होने की वजह से एयर जो है वो अंदर नहीं गई, तो उस एयर की वजह से इसमें मेगोट्स अपीयर नहीं हुए। ठीक है जी, तो साइंटिस्ट का क्या कहना था, एयर की वजह से जो बॉटल क्लोज थी उनमें मेगोट्स अपीयर नहीं हुए। तो इस ये जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट था उसको साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो इस प्रूव, एयर की जो बात कर रहे थे साइंटिस्ट, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए
रेडी ने एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड किया, ठीक है। तो चले हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड में उन्होंने कैसे जो है वो प्रूव करते हैं वो, ठीक है जी। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने जो बात कही थी एयर के बारे में कि एयर की वजह से और मेगोर्स जो हैं बॉटल में सेकंड एक्सपेरिमेंट में अपीयर नहीं हुए, तो उन्होंने ये थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने एक बॉटल ली, उस बॉटल में उन्होंने मीट रखा, ठीक है। फिर उसको कवर किया नेट से, ठीक है, ताकि उसमें एयर जो है वो अंदर दाखिल हो सके। देखे जी, ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, उन्होंने एक बॉटल ली, उस बॉटल में उन्होंने डेड फिश रखी और उस बॉटल को उन्होंने कवर किया पूरा नेट से उन्होंने कवर किया ताकि एयर जो है उस बॉटल के अंदर आ सके, ठीक है। अगेन फिर क्या हुआ, अगेन मैगोट्स जो हैं अपीयर नहीं हुए क्योंकि बॉटल कवर थी, फ्लाइज यहाँ पर जमा नहीं हो पाई, तो उसकी वजह से मैगोट्स अपीयर नहीं हुए। तो ये जो एक्सपेरिमेंट थे रेडी के, उन्होंने सपोर्ट किया बायोजेनेसिस के आइडिया को कि लाइफ जो है वो लाइव से ही जनरेट होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि जो बायोजेनेसिस है उसका कॉन्सेप्ट करेक्ट है और जो ए बायोजेनेसिस है उसका जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, वो रॉन्ग था, ठीक है। तो रेडी ने जो ये एक्सपेरिमेंट किए, रेडी के एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है कि बायोजेनेसिस का जो कॉन्सेप्ट था वो करेक्ट था। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जनरेट नहीं होते। रेडी ने ए बायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट को डिसअप्रूव किया और बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट एक्सपेरिमेंट के साथ प्रूव होता है, ठीक है। तो ये था हमारा जो कॉन्सेप्ट ए बायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस का, आज का जो ये टॉपिक जो है यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है जी।